मिडिल स्कूल वसाल में ज्यादातर गरीब विद्यार्थी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ये छात्र छात्राएं काफी समय से वित्तीय तंगी से गुजर रही थी, जिसकी वजह से वो शिक्षा के साथ साथ खेलकूद का सामान खरीद नहीं पा रहे थे। सरकार से गरीब विद्यार्थियों के लिए कोई सुविधा नहीं मिली, जिसके चलते उनकी प्रतिभा गरीबी के कारण दम तोड़ रही थी। इस वित्तीय तंगी को दूर करने के लिए कोई संस्था नहीं बल्कि बघाट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता के परिवार ने उनकी मदद करने का बीड़ा उठाकर स्कूल को गोद लिया और प्राथमिकता की दृष्टि से सबसे पहले जिला स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में जा रहे 20 खिलाड़ियों को किट प्रदान की। इस मौके पर अधिक जानकारी देते हुए बघाट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता ने कहा कि उनके दादा खुद अध्यापक रहे थे और उन्हें भी आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा था, लेकिन आज वह समर्थ हैं और इसीलिए वह और उनका परिवार चाहते हैं कि जो तंगी उन्हें झेलनी पड़ी थी वह किसी अन्य विद्यार्थी को ना झेलनी पड़े। उन्होंने कहा कि वह भविष्य में न केवल विद्यार्थियों की मदद करेंगे बल्कि स्कूल को भी किसी वस्तु की जरूरत होगी तो उसे भी पूरा करेंगे। अगर इसी तरह सक्षम लोग गरीब लोगों की मदद के लिए आगे आए तो शीघ्र ही भारत से गरीब दूर हो सकती है और गरीब प्रतिभावान खिलाड़ियों तथा विद्यार्थियों की प्रतिभा दम तोड़ने से बच सकती है। हमारी माता का नाम विद्यावती था, जो कि विद्या की एक देवी थी हमारे लिए, और हमारे सारे परिवार को उन्होंने पढ़ाने में बहुत अपनी बलिदान दिया है। और हमारे दादाजी सरदारा परशुराम जी हमारे स्कूल के हेडमास्टर होते थे, तो उन्हीं की संस्कारों से आगे बढ़कर हमने ऐसा सोचा है कि अगर शिक्षा बच्चे को मिलेगी तो शिक्षा से ही सारा जो समाज है वो शिक्षा अगर ग्रहण करेंगे अच्छे तरीके से बच्चे, तो समाज में भी उनका रुतबा बढ़ेगा। तो आज हम यहाँ पर 20 ड्रेसेस जो है बच्चों को देने आए हैं, जो बच्चे यहाँ से स्पोर्ट्स में भाग लेने के लिए जाएंगे उनके लिए टी शर्ट और निकर का प्रावधान हमने करके दिया है। और उसके साथ ही यहाँ पर मैडम की एक और इनके स्टाफ की डिमांड थी कि स्कूल की जो फेंसिंग है वो होनी चाहिए, और एक स्कूल में पानी कमरे में पानी का कुछ बारिश का पानी आता है वहाँ पे भी कुछ छत का प्रावधान करके देना है, वो भी बहुत जल्दी करके देना है। उसके अलावा भी हमने कहा है कि आप बच्चों की सुविधा के लिए जो शिक्षा ग्रहण करें, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें और अपना शारीरिक और मानसिक तनाव दूर करने के लिए जो भी उनको जरूरत होगी उसको हम अपने परिवार की ओर से यहाँ पर प्रदान करवाएंगे, ताकि यहाँ के गाँव के बच्चे और अपने आप को शहरी बच्चों के बराबर में ला कर खड़ा कर सकें।